अब इनेलो से भी जिसको इस इलाके ने सांसद दिया, 8 विधानसभा की सीटें दी 2014 के अंदर, 2009 के अंदर भी सांसद तो मुझे जिताया, लेकिन उस समय भी अगर विधानसभा की हम बात करें तब भी उनको वो था। पर आज वो जो वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उससे पूछना चाहते हैं कि एक भी बड़े प्रोजेक्ट का क्या वो नाम बता सकते हैं, भाजपा वाले या इनेलो वाले, जो पिछले 5 साल में उन्होंने शुरू करवाया या शुरू करवा करके उसका कंप्लीशन किया हो। राजीव आवास योजना यहाँ से चले गए, थेड़ मोहल्ले की हालत आप देख लीजिए, जो यहाँ 3500-4000 मकान हमने दिलवाए थे, अब वो EWS में जो हमने बनाए थे फ्लैट गरीब आदमी को देने के लिए, वहाँ रख रहे हैं, कह रहे हैं इसका किराया दो या इसको खरीदो। थेड़ उजाड़ दिया और चीज़ें उजाड़ दी। इंदिरा आवास योजना की जो कांग्रेस के समय में अगर 2 किस्तें कहीं आई थी तो 3री किस्त नहीं दी, 1 किस्त आई थी तो 2री और 3री नहीं दी। तो इससे पता चलता है कि एक संवेदनहीन गैर जिम्मेदार नेतृत्व प्रदेश में रहा, और उसी के वजह से आज मैं समझता हूँ कि प्रदेश बर्बादी की कगार पर है, और ऐसी सरकार को उखाड़ने का हम सब लोगों को मिलकर के आने वाले दिनों में प्रयास करना है। और सिरसा की जनता, हरियाणा की जनता, भाजपा इनेलो उनकी जो दूसरी ओर टीमें तैयार होगी है, उनको उखाड़ फेंकने का काम लोकसभा में करेगी। अरविंद शर्मा जी जब हमारी सरकार को गए हुए 6 महीने हुए थे, तब से लेकर के लगातार उनके प्रयास जारी थे, हमारे यहाँ भी आना चाहते थे, लेकिन कई बार परिस्थिति बनती है, उसका बहुत ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। तो वो आ गए हैं, आगे देखते हैं। बाकी हमारे यहाँ भी बहुत लोग आना चाहते हैं, और आने वाले समय में जो आना चाहते हैं उनको हम लेकर के आएंगे, और भाजपा की जो भगदड़ है, इनेलो में जो भगदड़ है, वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी।